अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजला असगरन किचन। मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हमारे रोज़े इबादतें कबूल फरमाए और ये ईद हमारे लिए खैर आफ़ियत लेके आए, आमीन। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से ही होंगे और ईद की तैयारियाँ भी चल रही हैं। वैसे ईद हो और कुछ मीठा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, राइट? आज मैं आप लोगों के एक बहुत इजी यम्मी मज़े का रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें नो बेकिंग नो ओवन क्रीमी बिस्किट केक। क्रीमी बिस्किट केक बनाने के लिए हमें चाहिए बिस्किट्स, मिल्क एंड ड्रीम विप क्रीम। इन तीन चीज़ों के साथ हमारा केक बन जाएगा, ना आपको बेक करने की ज़रूरत ना ओवन की ज़रूरत है। मैंने लिए हैं ब्रावो बिस्किट, आप चाहें तो आप इवन मैरी बिस्किट भी ले सकते हैं। क्रीम बिस्किट्स ना लें क्योंकि हम लोग खुद क्रीम बना रहे हैं, तो क्रीमी बिस्किट्स ना लें। स्वीट बिस्किट्स लें, सॉल्टी बिस्किट्स आप नहीं लेंगे, ओके? क्रीमी बिस्किट्स भी नहीं लेना है आपको, बिस्किट लेने जो थोड़े मीठे हों, या आप मैरी बिस्किट भी ले सकते हैं। मैंने ब्रावो बिस्किट लिए, मैंने हाफ कप मिल्क लिया हुआ है, हाफ कप मिल्क क्योंकि मेरा जो ये ड्रीम विप है हाफ कप मिल्क में बन जाएगा। जब मैं इसको बीट करूँगी ये और डबल होके थिक हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि आप भी साशे ढूंढें कि आप लोगों को ड्रीम विप इस तरह मिले, आप लोग व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम को सिंपल आपको लेना है और उसको बीट करना है। थोड़ा सा हमें थिक क्रीम चाहिए, ठीक है? और मुझे एक डिश चाहिए जिसमें मैं इसको प्लेस करूँगी और हमें इसको फ्रीज करना है। फ्रिज में रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए एंड हमारा केक तैयार हो जाएगा। बहुत सिंपल एंड ईजी केक है हमारा, तो हम स्टार्ट करते हैं। कंसिस्टेंसी चेक करें, दिस इज द थिंग। इसको मैं जितना बीट करूंगी अभी उतना होगा, ओके? बीट करने के बाद जब मैंने इसको बीट किया, मैं आप इसको 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में आप इसको रखें एंड देन ये आपके पास फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, दिस थिंग। हम और बीट करेंगे और थिक होगा। अगर अब हम चाहें तो इसमें थोड़ा सा और मिल्क डाल सकते हैं और इसको थोड़ा और थिक कर सकते हैं। पैन लिया है हमने, बिस्किट्स हैं, ओके? पहले मैं बिस्किट्स को मिल्क में डिप करूंगी, फिर हम इसमें डालेंगे क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये सॉफ्ट करने है, ओके? डायरेक्ट मैं इसके अंदर नहीं, उसके बाद फिर हम इट्स ऑल डन। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे अराउंड 2 to 3 आवर्स के लिए, ठीक है? बन गया हमारा क्रीमी बिस्किट केक। आई होप आप सब लोगों को पसंद आएगा, बहुत ही यम्मी है। फैमिली के साथ मीठा खाएं और ईद इन्जॉय करें। तब तक अपना ख्याल रखें एंड वंस अगेन आप सब लोगों को ईद मुबारक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।